क्या कभी आपके घर में जो पुराना होम थिएटर है ऐसा वाला, इससे आपको परेशानी हुआ है? जैसे कि देखिए वायर्स देखिए और चार चार स्पीकर्स, संभालना मुश्किल हो जाता है, मतलब इतना वायर्स है। तो ऐसे में अगर ये जो स्पीकर्स है एक के ऊपर एक रख दिया जाए ऐसे और ऐसे और ऐसे, और जो जितने भी वायर्स है उसको अंदर डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? तो बनता है एक टावर स्पीकर ऐसा वाला जिसमें कोई वायर्स नहीं है। लेकिन इसमें खासियत वही है, सब कुछ है जो उस होम थिएटर में था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भार्गव। तो आज मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूं इस टावर स्पीकर का। तो दोस्तों ये रहा बॉक्स, इसे मैंने अमेजोन से लिया है और दाम पड़ा 3000 रुपया, मतलब 2999 रुपया। ये देखिए, तो अभी इसको खोलेंगे। तो खुल गया बॉक्स, इसमें दो बॉक्स है, देखिए दो बॉक्स है, अच्छे से पैकेट किया है। और कोई जैसे होता है ना, कोई बॉक्स में प्रिंट आउट होता है, मॉडल का जो डिस्प्ले होता है वो नहीं है, वो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। अंदर में ये थर्मोकोल्स है। तो ये रहा वो प्रोडक्ट, यहाँ पे कुछ है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है दो रिमोट और ऑक्स केबल। ये तो वो इसका रिमोट पता चलता है, लेकिन ये वाला पता नहीं क्या है, शायद इसका बैकअप रिमोट होगा। तो ये रखते हैं यहाँ पे। तो अभी निकालेंगे टावर स्पीकर को बॉक्स में से। तो ये रहा टावर स्पीकर। तो सामने वाला ऐसा है, उसके बाद पीछे वाला ऐसा है। ये वायर है, खोल लेता हूँ वायर को, इतना लंबा है वायर। ये एंटीना का है वायर, ऑफ ऑन स्विच है, और यहाँ पे लिखा है ब्लूटूथ FM, यहाँ पे माइक का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑडियो इनपुट ऑडियो आउटपुट। इसका ज़रूरत नहीं है, अगर ब्लूटूथ से बजाएंगे तो इसका ज़रूरत नहीं है। ये रहा सबवूफर, बेस आएगा इसमें से। यहाँ पे तीन बटन दिया हुआ है। तो ये पहला वाला ट्रिबल का है, बीच वाला बेस का है, ऊपर वाला वॉल्यूम का है। और सामने ये सबवूफर का ये एंट्रेंस है, ये वाला, और दो स्पीकर्स है ऊपर में। यहाँ पे USB है पेनड्राइव डालने के लिए। यहाँ पे बटन से कुछ प्रीवियस मोड नेक्स्ट वगैरह वगैरह, और ये सब बटन नहीं है, डिजाइन से क्रोम का। और नीचे कंपनी का नाम लिखा है बेंकले, मतलब देखने में बहुत सुंदर है। और ये जो दो स्पीकर है, लेकिन अमेजन में इसका मिडिल में क्रोम दिखाया था, लेकिन अभी यहाँ पे क्रोम फिनिश नहीं है, मुझे मिला ब्लैक कलर का मिला, लेकिन अगर क्रोम होता तो देखने में और अच्छा लगता। और जो रिमोट है उसमें जो भी ज़रूरत है, ज़रूरत के सभी बटन्स है। और ये छोटा वाला पता नहीं किस लिए दिया है, बैकअप रिमोट होगा शायद। और ये है केबल, अभी इसको लगाएंगे, लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो केबल है इतना लंबा है, तो अभी मैंने प्लग को लगा लिया है, तो अभी ऑन करेंगे। तो ऑन हो गया है, अभी ब्लूटूथ मोड में है इसलिए ऐसा बोला। अभी देखिए कुछ लाइट जलना शुरू हो गया है, जो हमेशा जलता रहता है, ब्लिंक करता है। गाना चाहे बजे या ना बजे, लेकिन ये लाइट जलेगा ही। म्यूजिक के हिसाब से अच्छा ही लगता है, ख़राब नहीं लगता है। तो चलिए अभी कुछ गाना बजाते हैं लैपटॉप से। मैं हिंदी गाना नहीं बजा सकता हूँ, क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। मैं यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से कुछ बजाऊँगा अभी। तो पहले रिमोट में मैं अभी मोड चेंज करूँगा, लाइन इन, मतलब ये हो गया लाइन इन, मतलब ऑक्सिलरी हो गया। तो अभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट है, अभी मैं बजाऊंगा कुछ। We'll be right back.
अभी आपने इसका साउंड सुना, कैसा लगा? क्योंकि इसका जो यहाँ पे लिखा है 15,000 वाट PMPO लिखा है, मतलब इसका साउंड क्वालिटी अच्छा तो होना ही था, अच्छा है। और यहाँ पे देखिए 15,000 वाट PMPO प्रोवाइड फुल डीजे साउंड 500 वाट, मतलब बेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। तो अभी आपने सुना लैपटॉप से ऑक्सिलरी कनेक्शन से, लेकिन अभी मैं सुनाऊंगा ब्लूटूथ से। तो उसके लिए पहले जो मोड है उसको चेंज करना पड़ेगा। FM tuner, the Bluetooth device is ready to pair. अभी आ गया मैं ब्लूटूथ के मोड में, अभी मोबाइल में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे आ गया एपेक्स नाम से। The Bluetooth device is connected successfully. अभी बोल दिया सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है, तो अभी बजाएंगे। अभी कैमरा से इतना आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन रियली बहुत अच्छा है, बेस बहुत अच्छा है। तो अभी क्या करूंगा मैं, इस रिमोट में इक्वलाइजर का अलग अलग ऑप्शन है वो मैं सुनाऊंगा, कैसा कैसा ऑप्शन है दिखाऊंगा। तो फिर से मैं प्ले करता हूँ। तो अभी मैंने अलग अलग ऑप्शन में बजाया, सभी में साउंड अलग अलग आता है। अभी इसका माइक टेस्ट करेंगे, इसमें इनबिल्ट माइक का ऑप्शन भी है, पीछे देखिए यहाँ पे। लेकिन जो जैक है यहाँ पे बड़ा वाला दिया है मैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगा अभी ये वाला बोया का जो माइक है ना, लेवलियर कॉलर माइक बोया का, वो यूज़ करूँगा। लेकिन इसका जो ये इनपुट है ये वाला 3.5 mm जैक है। लेकिन सबसे अच्छा बात ये है कि इस माइक के साथ ये बड़ा वाला जैक भी मिलता है, तो ये छोटा वाला जैक बड़ा वाला में चला जाएगा ऐसे। तो अभी पीछे लगाएंगे इसको, लगा दिया है मैंने, तो मोड चेंज करेंगे। तो चला गया है, अभी माइक आ रहा है। हेलो, चेक 1 2 3 माइक टेस्ट। हेलो, हाँ अभी आवाज आ रहा है, मैं स्लोली बोल रहा हूँ, जोर से आ रहा है। हेलो 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 दोस्तों, ठीक से मुझे पता नहीं है माइक यूज़ करना, अगर आपको पता होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ, तो मैंने निकाल दिया है। तो दोस्तों इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो बात है, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और जो कंपनी का ओनर है उसने खुद मुझे फ़ोन किया था, फ़ोन करके मुझे पूछा कि आपको प्रोडक्ट कैसा लग रहा है। तो मैंने बोला सब कुछ अच्छा है, और मैंने बोला इसके स्पेयर पार्ट्स के बारे में मैंने इंक्वायरी किया। तो उन्होंने बोला जो सबसे अच्छा बात, अगर फ्यूचर में कभी भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो खुद स्पेयर पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर देंगे मेरे घर में, तो ये एक अच्छा बात है। वैसे तो बड़े बड़े कंपनीज कस्टमर्स को कभी भी फ़ोन नहीं करते हैं, अभी इंडिया का जो कंपनीज है इतना अच्छा है, खुद फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपको प्रोडक्ट कैसा लगा। तो मैं बोलता हूँ ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और बजट में है। दूसरे कंपनीज का जो ब्रांडेड बाहर का कंपनी है उनका सिमिलर प्रोडक्ट आपको 6,000, 8,000, 10,000 ऐसे में मिलेगा, लेकिन ये 3,000 रुपया में वो लोग दे रहे हैं, और क्वालिटी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो इसको आप टीवी के साथ भी लगा सकते हैं। तो चलिए अभी इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक के बारे में बात कर लेते हैं। सब कुछ तो अच्छा ही है, लेकिन इसको ले जाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कोई पकड़ने के लिए ठीक से कुछ दिया नहीं है, ऊपर में ना कोई हैंडल है ना कहीं से कुछ है, तो पकड़ने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है ले जाने के लिए।
ऐसे ले जाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे ले जाना पड़ेगा अगर ऊपर में कुछ होता पकड़ने के लिए, नहीं तो दोनों साइड पे कुछ होता तो थोड़ा अच्छा था। लेकिन ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और एक सजेशन ये कंपनी के ओनर को, ये जो उनका कंपनी का लोगो है बेंकले, ये जस्ट एक कलर में लिखा हुआ है व्हाइट कलर में, अगर ये क्रोम में होता बहुत अच्छा लगता। तो ये एक अच्छा टावर स्पीकर है, साउंड क्वालिटी मस्त है। तो अगर आपको ये लेना है तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ, जल्दी ही मिलेंगे एक दूसरे रिव्यू वीडियो के साथ। अभी आपको इस टावर स्पीकर के दोनों तरफ चार वीडियो दिख रहे होंगे, प्लीज़ इनको देखें या फिर मेरे चैनल पर जाएं। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।